नमस्कार दोस्तों, सदर तहसील के पचगाई खेड़ा में मंगलवार को तहसीलदार की मौजूदगी में पोखर से अतिक्रमण हटाकर पोखर की खुदाई की गई। पोखर की जमीन को दबंगों के कब्जे से मुक्त करा दिया गया। तहसीलदार प्रेमपाल ने बताया कि हाईकोर्ट और जिलाधिकारी के आदेश पर पोखर की जमीन से अवैध निर्माण ढहा गया। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक पॉप सिंह, उमेश शर्मा, संजीव सिंह, प्रभारी खंड विकास अधिकारी उपेंद्र सिंह चौहान, ग्राम विकास अधिकारी कौशलेंद्र यादव और थाना ताजगंज का पुलिस बल मौजूद रहा। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि सरकारी जगह में इनके आड़ में हमारे मकान को भी प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया है। आइए जानते हैं क्या कहना है तहसीलदार का और क्या कहना है पीड़ित महिला का। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की रिपोर्ट। सर, आज जो ये खुदाई चल रही है, ये किस मद में क्यों चल रही है, क्या है ये? इसमें हमारे तालाब की एक ज़मीन है, खसरा नंबर 235 है, 1100 वर्ग मीटर ज़मीन है। तो इसमें ज्ञान सिंह पुत्र बलवंत सिंह ने अवैध कब्जा कर रखा था। उसमें इनको कोर्ट से बेदखल किया गया, तहसील कोर्ट से, फिर अपर कोर्टों से अपील करते रहे और अंततः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है कि इसको, इनका अवैध कब्जा हटवाते हुए और पोखर को मूल रूप में लाने की कार्रवाई कंप्लीट करें। तो उसके अनुपालन में फिर आज राजस्व टीम हमारी उपस्थित है, SHO ताजगंज भी हैं और खंड विकास अधिकारी भी आए थे, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भी हैं। तो उन सभी के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है, तालाब को उसके मूल रूप में वापस ला करके और माननीय न्यायालय के आदेश का भी अनुपालन हो जाएगा और जो हमारी कार्रवाई है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सर, इस पर किसी प्रकार का कोई विरोध हुआ? नहीं, विरोध नहीं हुआ। लोगों ने कुछ बात की तो उनको समझा दिया हमने, और जिनका कब्जा है वो स्वयं भी समझ रहे थे। इसमें एक साल पहले भी कुछ कार्रवाई की गई थी, तो अवैध कब्जा तो इनका पहले से ही हटा हुआ था, छिटपुट कब्जा था वो आज हटवा दिया। और चूँकि कोर्ट ने पोखर को उसके ओरिजिनल रूप में लाने के निर्देश दिए थे तो उसके तहत फिर ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सर जो इसका जो बेटी थी वो विरोध कर रही थी, उसको पुलिस ने बैठा रखा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको बिठाया, समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई नहीं है। सूचना तो ये भी मिल रही थी कि यहाँ पेड़, हरे पेड़ों को भी काटा जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपके सामने देख लो, पेड़ खड़े हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। Thank you.
पहले। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विमलेश। ये क्या आज आपके यहाँ से जो आक्रमण आ रहा है, क्या कहना चाहते हो? हमें से मैं यह कहना चाहता हूँ भाई साहब, थोड़ी सी जमीन थी आबादी की, उसके पीछे हमारा सारा मकान तोड़ दिया है और जो आप उसी हमारी घर घर की दुश्मनी में लिखा रहा है ये सारा, और पूरे गांव में चारों लंग आबादी है लेकिन हमारे यहाँ घर तीन मकान तोड़ दिए खेरा पचगाई में, बाकी कहीं भी नहीं कुछ तोड़ा है न, यहाँ कछु था खरंजा उखाड़ के और मकान तोड़ दिए। और आपकी बेटी को भी बताया? और हमारी बेटी को भी पुलिस ने पकड़ के बंद कर लिया है। क्यों पकड़ लिया? जो जब पेड़ ने काट रहे वो वीडियो बना रही थी। अब छोड़ दिया? सारे पेड़ अभी नहीं छोड़ा है, सारे पेड़ काट रहे हैं। बगीचा था यहाँ पर खरंजा के पास, सारा खरंजा वो पेड़ उजाड़ दिए हैं यहाँ से। अब आप क्या करोगे आगे? अब आगे हम तो कछु ना कर रहे, वो क्या करेंगे जब तुम देख रहे हैं, फोरे के डाल दो सगरा।